अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ माजिद अली शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन लाएं हेडलाइंस गज़ा जंग बंदी के लिए मुकम्मल इनला की शर्त तो हमास का वफद मुत के लिए काहिरा पहुँच गया हमास ने जंग बंदी और इसराइली कैदियों की रहाई के लिए इसराइली फ़ौज के गजा से मुकम्मल इनला की शर्त लगा दी और मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक में जंग बंदी और इसराइली कैदियों की राय के बदले में इसराइली फ़ौज के गजा से मुकम्मल इनला के शर्त पर मुकर के लिए हमास का वफद काहरा पहुंच गया है कबल हजी इस जंग बंदी मु की बहाली के सिलसिले में मिस्र का सिक्योरिटी वफ्द हमास के रहनमा असामा हमदान से मुलाकात के लिए पहुंचा था लबनान में हलाक और ज़ख्मी शहरीों की तादाद कबूल है जोजफ बोरेल यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबरा जोजफ बोरेल ने इस बात पर जोर दिया है कि इस साइल को बैन अवी कवान की हदूद में रहकर कर हेज़बुल्ला को जवाब देना चाहिए जोजफ बोरेल ने अलबिया को मजीद बताया कि लबनान में शहरीों की हलाकतों और ज़ख़मियों की तादाद नकबल कबूल है लबनानी वजीर अजम ने अपनी तरफ से आर्मी बरदरी से मुतालबा किया है कि इन को उनकी حمایت करें जो जारी हमलों को खत्म करें और फौरी जंगबंदी نافذ करें उन्होंने ताऊन करने वाले मुल्कों का शुक्रिया भी अदा किया वाजर है कि लेबनान के लिए फ्रांस 108 मिलियन जर्मनी 103 मिलियन और अमेरिका ने 300 मिलियन डॉलर इمداد فراہم की है लद्दाख से मुहिदे के तहत चीन ने अपने फौजी पीछे हटा लिए लद्दाख सेक्टर में भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी खत्म हो गई है दोनों ममालिक ने गुजत हफ्ते सरहदी तनाज़ दूर करने के माहे के तहत अब चीन ने अपने फौजी पीछे हटा लिए भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मगरब में चीनी फौजियों को इनकी से हटाया गया है खेमे और दीगर आजी बंदोबस्त भी खत्म कर दिया गया चीन और भारत की फौज ने गुजशत हफ्ते एक खसूस माहदे के तहत लद्दाख सेक्टर में दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं रूस का अला सता वब्द नतन याहू से मुलाकात के लिए इसराइल पहुंच गया रूस का आला सता वफ्द नैतिन याहू से मुलाकात के लिए इसराइल इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि रूसी वफ्द इसराइली वजी अजम नितिन याहू से आज मुलाकात करेगा बिन बनवा खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के अली सत की इसराइली कौमी सलामती के मशीर से भी मुलाकात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है एक और अहम पेश रफ्त में मास्क वफ्द मास्को पहुंच गया है जो रूसी नायब वजी खारजा से मुलाकात करेगा वादे रह के रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मشرق के वस्ता में तनाव तनाजात के खात्मे के लिए मदद की पेशकश कर दी है तुर्की में सोशल मीडिया के तमाम बड़े प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी तुर्की ने नरोह हुकूमत अंकारा में एयरस्पेस और दफाई कंपनी के हेड पर पर गर्दों के हमलों और हलाकतों के बाद हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया बैन अगवा खबरसा इधारे की रिपोर्ट के मुताबिक दफाई कंपनी के हेडकोर्टर पर दहशत गर्दों के हमले के बाद मुल्क में सोशल मीडिया के तमाम बड़े प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद कर दी गई फिर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क हुकूमत की जानब से सोशल मीडिया प्लेटफार्म बशमूल एक्स यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी गई है डिजिटल गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी की निगरानी करने वाली आलमी इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी नेट ब्लॉक्स ने सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर तुर्की में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी आयद होने का ऐलान किया है इसराइल का अकवा मतदा की अमन फौज पर हमलों में सफेद फास्ट फोर्स का इस्तेमाल गजा को तबाह और लबनान में जारहियत के बाद इसराइल के अकवा मतदा की अमन फौज पर हमले भी तेज हो गए रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने लबनान में मौजूद अकवा मतदा की अमन फौज पर एक अब तक 25 हमले किए इसराइल ने बाज हमलों में अमन फौज के खिलाफ कलदम सफेद फास्क फोर्स का, फास का इस्तेमाल किया तर्जमानतदा अमन फौज ने भी इसराइली हमलों की तस्दीक कर दी तर्जमान ने कहा कि इसराइल ने यकम अक्टूबर को लबनान में दरअंदाजी शुरू की और अब तक अमन फौज पर इसराइल ने तकरीबन पच्चीस हमले किए नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी की, की दरख्वास्त आलमी अदालत के जज तब्दील आलमी अदालत आईसीसी ने नेतन्याहू के वारंट की दरख्वास्त की समाअत करने वाले जज को तब्दील कर दिया अदालत ने वाजिया किया है कि प्रेजाइडिंग जज रोमानिया के मजिस्ट्रेट योलिया मोटो को खराबी सेहत पर तब्दील किया गया जज की जगह अब सलवानिया के जज बीटी होलर लेंगे एक एकदाम से नितिन याहू और इसराइली वजीर दिफा के वारंट केस में हो सकती है हाशिम सफी तीन, तीन रोज तक डटे रहे शहादत दम घुटने से हुई अरब मीडिया का इंकशाफ लबनान की मजाती तंजीम हिजबुल्ला के सीनियर रहनमा हाशिम सफियुद्दीन की शहादत से मुतल हिरानकुन इंकशाफ सामने आ गए बाईस अक्टूबर को इसराइली फ़ौज ने हिज़बुल्ला के काय मकाम सरबरा हाशम सफियुद्दीन को शहीद करने का दावा किया था जिसके अगले रोज़ हिजबुल्ला ने भी अपने सीनियर रहनमा हाशम सफियुद्दीन की इसराइली हमले में शहादत की तस्दीक कर दी थी ताहम अब अरब मीडिया अलहदीस टी वी पर हाशम सफी की शहादत से हैरान हैरानकन इंकजाफ सामने आए हैं जिसमें बताया गया है कि हाशम सफीद्दीन इसराइली बम्बारी में नहीं बल्कि दम घुटने से शहीद हुए अलहदीस टी वी का कहना है कि हाशम सफी ने बैरूत के जनूबी टाउन जाहिया में एक बंकर में पनाह ली हुई थी जिसके बाद इसराइली जंगी तैयारों ने यकम अक्टूबर को बंकर पर कायम इमारत पर लगातार बमबारी की थी फिल्पाइन में समुद्री तूफान ट्रामी ने तबाही मचा दी चालीस अफराद हलाक आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्पाइन में समुद्री तूफान के बायस दो दिन बारिशों का नया रिकार्ड कायम हो गया मुसलसल बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया सिलाबी रेला रहाइशी आलाकों में दाखिल हो गया शहरी घरों की छतों पर महसूर होकर रह गए सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी इमदादी कामों में दुशारियों का सामना है लैंड स्लैडिंग के वाक़त भी रूनमा हुए दस हज़ार अफराद बेघर हो गए आजी पना गहें कायम कर दी गई हैं ताहम ख़ुराक और पीने के पानी की शद कित का सामना है सऊदी अरब दुनिया का ख़तरनाक तीन टाओ मजाइल ख़रीदने में कामयाब अमरीकी वजारत दिफा पैडागोन ने सऊदी अरब को टाओ मजाइल फरोख्त करने की मुमकिन डील की मंजूरी दे दी इससे कबल अमरीका की डिफेंस सिक्योरिटी को ऑपरेशन एजेंसी सऊदी अरब को पचास करोड़ डॉलर का फौजी साधु समान फरोख्त करने के मुमकिन पैकेज की मंजूरी दे चुका है इस हवाले से कांग्रेस को आगाह कर दिया गया है पेंडागोन के जर इंतजाम मजकूरा एजेंसी ने बताया कि मौजूदा डील अमरीका की खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के हद्दाफ को सपोर्ट करेगी सऊदी साउदी खारजा और फलस्तीनी सदर की अहम मुलाकात सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से फ़लस्तनी सदर महमूद आबाश ने मुलाकात की हरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में गजा की मौजूदा सूरत पर तबादला ख्याल किया गया मुलाकात के दौरान गजा की पट्टी में होने वाली पेशरफ्त और इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर होने वाले असरत और, और इस सिलसिले में की जाने वाली कोशों पर भी गुफ्तू की गई यूक्रेन पर हमला बैवान की खिलाफ वर्जी है अंतोनियो गोत्रेस का रूसी सदर वीर पिटन पर जोर इकवाद के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक उन्होंने रूसी सदर वलादिमिर पिटन को आगाह कर दिया है कि यूक्रेन में रूस का फौजी ऑपरेशन बैन अलावा कवानी की खिलाफ वर्जी है गोत्रेस ने रूसी सदर को ये बात रूसी शहर काजान में ब्रिक्स सरबराही इजलास के जीमन में होने वाली मुलाकात में कही इकवान मतदा के सेक्रटरी जनरल के तर्जुमान ने एक बयान में बताया कि गोत्ररेस ने प्यूटन से मुलाकात के दौरान इस मौकफ को कई बार दोहराया कि यूक्रेन पर रूस का हमला इकवी मतदा के मंशूर और बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी है भारत के जरिए इंतज़ाम मकबूज़ा कश्मीर में जंगजुओं के हमले में चार अफराद हलाक हुकाम ने बताया है कि जुमेरात के रात मकबूजा कश्मीर में जंगजुओं ने एक फ़ौजी गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया जिसमें दो फौजियों समेत कम अज़ कम चार अफराद हलाक हो गए ये इस हफ्ते खिते में दूसरा बड़ा हमला है ये हमले ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब हिजब के इतिहाद ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया है जहाँ अलहदगी पसंद जंगजू जु। कई अशरों से सिक्योरिटी फोर्सेज से, से बरसरे पेकार हैं और हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं नवाज शरीफ दुबई रवाना एक रोज़ के आम के बाद लंदन रवाना होंगे मुस्लिम लीग नून के कैद नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से दुबई रवाना होंगे पार्टी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ बैरून मुल्क दौरों के लिए लाहौर एयरपोर्ट से सुबह नौ बजकर बाईस मिनट पर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ के ज़रिए दुबई रवाना हुए दुबई में नवाज़ शरीफ एक रोज़ा क़याम के बाद लंदन जाएंगे गैर मुल्की दौरों के दौरान नवाज़ शरीफ अमरीका लंदन और यूरोप भी जाएँगे नई फीफा रैंकिंग अर्जेंटाइन की बादशाह बरकरार फुटबॉल के आलमी तंजीम फीफा ने नई वर्ल्ड रैंकिंग जारी कर दी फीफा रैंकिंग में आलमी चैंपियन अर्जेंटाइन की बादशाह बरकरार है दो मरतबा की आलमी चैंपियन फ्रांस दूसरे 2010 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की आलमी चैंपियन स्पेन तीसरे और वर्ल्ड कप 1966 की फातिहा इंग्लैंड चौथे नंबर पर बर्जमान है रिकॉर्ड पांच मरतबा की आलमी चैंपियन ब्राजील की टीम की पांचवी पोजीशन है नाजरीन अब तक के लिए इतना ही मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा अल्लाह ने कबान